नर्मदे हर। कल जब रात को हम लोग निकले फेरी से विमलेश्वर से होते हुए, तो तकरीबन 3:30 से 4 के आसपास मॉर्निंग में मीठी तलाई पहुंचे। और फिर यहाँ पे रात्रि विश्राम किया, और वो जो सामने आप देख रहे हो वो है अन्न क्षेत्र। यहाँ पे सबका अभी भोजन हो चुका है। और तो मीठी तलाई हम पहुँचे हैं अभी। उत्तर तट का फर्स्ट पार्ट उत्तर तट है यहाँ से। और मीठी तलाई की ये विशेषता है कि यहाँ पे एक कुंड है जहाँ पे सिर्फ मीठा पानी है, जबकि चारों ओर अगर जितने भी बावड़ी कुएं सारा का सारा खारा पानी है, बस इस कुंड का पानी मीठा है, इसलिए इसको मीठी तलाई बोलते हैं। तो परिक्रमा का आज ये 5वां दिन। आज यहाँ से मीठी तलाई से शुरू करते हैं अब सीधी अमरकंटक की ओर यात्रा। तो सबसे पहले ये देखिए, मैं कुंड कुंड दिखा देता हूँ आपको, मीठी तलाई कुंड। और इस तरह का कुंड है ये। तो अब इसके बाद दहेज होते हुए भरूच निकलना है मुझे। वहाँ पे नारेश्वर महादेव हैं, तो उनके दर्शन करेंगे और उसके बाद सीधा निकलेंगे राइट करते हुए। फिलहाल ये है मीठी तलाई नर्मदे हर, और ये रही मेरी बाइक। हम रेडी हैं निकलने के लिए। हम दहेज से निकलते हैं, तो सबसे पहला जो मंदिर है या तीर्थ स्थल बोलेंगे उसको, भारभूतेश्वर महादेव है जो कि भारभूत में स्थित है। और यहाँ से हमको नर्मदा नदी का किनारा मिल जाएगा। इनके किनारे के साथ साथ ही आगे बढ़ना है। ये सामने जो है ये है भारभूतेश्वर मंदिर, और सामने ही आप देखोगे ना तो नर्मदा नदी का किनारा भी है। तो दर्शन करते हैं पहले और उसके बाद एक बार तट पे जाके आते हैं नर्मदा नदी के। महाबलेश्वर में नर्मदा जी के दर्शन करने के बाद हमारे सीधे दर्शन नर्मदा जी के भारभूत में होते हैं। और अभी हम उत्तर तट पे आ गए हैं, तो जैसे ही हम मीठी तलाई से निकले तो दहेज होते हुए हमारा जो फर्स्ट तीर्थ स्थल पड़ता है वो है भारभूत। यहाँ भारभूतेश्वर महादेव नर्मदा तट पे हैं। स्वयंभू श्री भारभूतेश्वर महादेव। भारभूतेश्वर यही है क्या? अच्छा, सही बात है। हाँ, क्योंकि बंद था, बहुत समय से बंद था ना। हमारा जो सबसे पुराना एंशियंट मंदिर है वो है भारभूतेश्वर, और जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन पे चल रहा है, आप देख ही सकते हो मैं कैसे चढ़ के जा रहा था ऊपर। जय हो प्रभु। ये महादेव रूप मंदिर है। हाँ, पंचमेश्वर भारभूतेश्वर। तो यार, दहेज से निकल के सबसे पहले जो हमारे दर्शन होते हैं वो भारभूतेश्वर महादेव के होते हैं और सोमेश्वर के होते हैं। तो जो आप पीछे देख रहे हो ये भारभूतेश्वर महादेव हैं, और ये जो आप देख रहे थे ये है सोमेश्वर महादेव। अब इनकी विशेषता ये है, बेसिकली अगर देखा जाए तो नर्मदा के दोनों किनारों पे हजारों शिवलिंग मौजूद हैं, बट उनमें से इतने प्राचीन हैं कि उनके दर्शन आज भी किए जाते हैं। तो भारभूतेश्वर शिवलिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हर 18 साल के बाद यहाँ पे एक कुंभ मेला या चौमासी मेला लगता है। और इसके बाद अब हम निकलेंगे सीधा भरूच, और भरूच होते हुए नारेश्वर। भारभूत से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पे मैं आ गया हूँ मोती कोरल। यहाँ पे है पुनीत आश्रम, और ये पंच केदारेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे सारे पंच केदार हैं, अगर आप देखेंगे तो सारे पंच केदार यहाँ मौजूद हैं। काफ़ी सुंदर मंदिर बना हुआ है, और ये आश्रम में मैं इसलिए आया हूँ, हालांकि मैं यहाँ हॉल्ट नहीं करूँगा, बट ये आश्रम में सारी व्यवस्थाएँ हैं और रहने रुकने की सारी व्यवस्था है। और प्लस यहाँ पे परिक्रमावासी वो आते हैं जो पैदल मार्गी रहते हैं, यहाँ पे चौमासा बिताते हैं। चौमासा मतलब जब बारिश के 4 महीने लग जाते हैं, तो यहाँ पे आके आप 4 महीने आराम से इस आश्रम में बिता सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी जगह है ये पुनीत आश्रम मोती कोरल में। अब बिताएंगे, पहले हमने पैदल पैदल किया था, नंगे पैर किया था। अब चप्पल पहन के आए, अब चतुर्मास, अब देखो मैया कहाँ निकालती है। अब मैं इससे थोड़ी आगे और जाऊंगा, क्योंकि अभी तक आई थिंक 130 या 140 किलोमीटर रन किया है, तो थोड़ा और आगे जाके किसी आश्रम में
तो आज का नाइट वहीं हॉल्ट करूँगा। तो ये आ गया महज 8 किलोमीटर दूर मोती कोरल से नारेश्वर धाम, और सामने लिखा है नर्मदा परिक्रमावासी विश्राम भवन। ये भाई यहाँ खाने रहने की व्यवस्था है। अच्छा, यहाँ भी अन्य क्षेत्र है अपने? अन्य क्षेत्र। आप कब से हैं यहाँ पे? बहुत समय से। 80 से मैं भी परिक्रमा वहाँ आया था। अच्छा, 80 फुल कंप्लीट करके उज्जैन घूम करके निकला था। हाँ हाँ हाँ। ओंकारेश्वर के आगे आ गया यहाँ सीधा, मैं परिक्रमा भी नहीं कर पाया। महाराज अकेले गुड्डे थे। हाँ, हमको बोले यहीं रहो, तुम जाना नहीं। अच्छा, उज्जैन कुंभ बैठा महीने में था, चतुर्माशा करने यहाँ में 15-20 दिन में आ गया। महाराज हमको जाने नहीं दिया। अच्छा, बोले तुम नहीं जाओ। मध्य प्रदेश के महाराज थे। अच्छा, होशंगाबाद थे। अच्छा अच्छा। नारेश्वर से लगभग 16 किलोमीटर मुझे मालसर के लिए ऐसा ही रोड मिलेगा। देखो इस तरफ पूरा जंगल है और ये बीच में नहर है, कैनाल है, और बस एक सीधी पगडंडी है जिसमें चलना है, और यही रास्ता है नर्मदा परिक्रमा का पैदल वालों के लिए। तो यार ये मैं आ गया हूँ शिनोर विलेज में, और यहाँ पे एक बोर्ड देखा था, वहाँ लिखा हुआ था परिक्रमा वासियों के लिए अन्य क्षेत्र श्री दत्त मंदिर। पूछता हूँ किसी से क्योंकि गूगल मैप में तो मिला नहीं, तो इधर पूछते हैं किसी से। क्यों भैया श्री दत्त मंदिर? जैसे आगे जाना, हाँ, जो रास्ता आएगा दाहिने साइड जाना, और दो रास्ता आएगा उसके भीतर जाना, सीधे जा पहले राइट साइड बाद में लेफ्ट। पहले राइट फिर लेफ्ट, ठीक है, पहले राइट फिर लेफ्ट। शिनोर विलेज मंदिर तो नहीं है, अपन को श्री राम जी मंदिर मिल गया है। यहाँ लिखा हुआ है मां नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए भोजन अन्न क्षेत्र, और मेरे साथ जो ट्रैवल कर रहे थे, मतलब रास्ते में सहयोगी मिले थे, तो वो भी मिल गए सहयोग से, तो ज़्यादा अच्छा है। इन्हीं के साथ फिर रुक जाता हूँ मैं। तो आज हमारा 5वें दिन का रात्रि विश्राम यहीं मंदिर में करते हैं, राम जी मंदिर में, और देखते हैं। तो ये है कुछ इस तरह सा मंदिर का एरिया, यहाँ अपने शूज़ उतार देते हैं, और इस तरह से देखिए सारे परिक्रमावासी हैं जो इधर रुके हुए हैं। हाँ, मैं इधर लगा ले, इसको रख लेता हूँ। चलो सबसे पहले बैग निकालते हैं यार, और काफ़ी अच्छी जगह रुका हूँ,